सभी मित्रों को नमस्कार। हमारा देश और हमारा समाज विभिन्न प्रकार के नशे के गिरफ्त में है। खास तौर पर युवा वर्ग इस बात से ज्यादा प्रभावित है। मित्रों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि किसी भी समाज की प्रगति में, किसी भी समाज की उन्नति में यदि सबसे बड़ा बाधक है तो नशे के गिरफ्त में नौजवानों का होना। मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी होती है कि छोटे छोटे बच्चों से युवा वर्ग तक बहुत कम ही लोग इन जहरीले नशों से बच पाए। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया के जरिए इस विषय पर भी बात कही थी। तब मेरे प्रियजनों ने, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन की खबर रखते हैं, उन्होंने मुझ पर सवाल उठाए। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि अच्छे और नेक कार्य की शुरुआत सदैव घर से होती है। मैंने अपनी आदतों पर न सिर्फ काबू पा लिया है बल्कि उसके अच्छे परिणाम भी अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि नशे के खिलाफ समाज और देश हित में आगे आए। मैं आपसे चाहूंगा कि हम अपनी जागरूकता के माध्यम से इस नशे के बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ें और हमारी पीढ़ी को सुरक्षित करें और समाज की उन्नति में हम भागीदार बने। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। विकास यात्रा को लेकर आए छत्तीसगढ़ के जन नायक, जन जन के नेता, गरीबों किसानों के बसिया धर्मात्मा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को जोरदार ताली के साथ हम दादरा को अपील करते हैं। जोरदार ताली और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कोई आदमी इतनी मेहनत और ईमानदारी
सूची पूरी नहीं हो रही थी। यह है मुंगेली का विकास का काम। मैं विकास यात्रा में दंतेवाड़ा से निकला हूं। 30,000 करोड़ के काम का भूमि पूजन और शिलान्यास इस विकास यात्रा में होगा। 30,000 करोड़, 1,700 करोड़ के आज बोनस का वितरण का काम होगा। अभी मुंगेली में बटन दबा के मुंगेली के जितने किसान भाई हैं उनके 67 करोड़ 28 लाख के 21,000 किसानों का आज कुल बोनस का वितरण होगा। एक बटन दबाएंगे ये पूरा का पूरा पैसा 67 करोड़ आपका ट्रांसफर हो जाएगा पूरे जिले के किसानों को। ये बोनस के वितरण, तेंदुपत्ता के बोनस के वितरण,
विभिन्न प्रकार के कामों के भूमि पूजन और लोकार्पण के काम तो हम कर रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा लोगों के पट्टे का वितरण का काम, और मैं कहता हूं कि हम विकास यात्रा में निकले हैं, सड़कों का जाल बिछा के निकले हैं, गांव गांव में विद्युतीकरण, आने वाले 4 महीने की कार्य योजना हमने तैयार की है, जिसको मोहले जी बता रहे थे। आने वाले 4 महीने में मुंगेली जिला का कोई पारा, कोई टोला, कोई मंजरा ऐसा नहीं बचेगा जहां 100% विद्युतीकरण ना हो जाए। कोई घर नहीं बचेगा मुंगेली जिले का जहां हम बिजली लगा के ना दे दें, 100% विद्युतीकरण का काम करने वाले। ऐसी ऐसी योजना बनी है। उज्ज्वला योजना में हमारी माता और बहनों के लिए गैस सिलेंडर वितरण का काम, 35 लाख परिवारों तक पहुंचने का काम, इन योजनाओं से हम जुड़े हैं। हमारे कांग्रेस के हमारे मित्र जिन्होंने 60 साल कुछ नहीं किया, 60-65 साल राज करते रहे, विकास कुछ नहीं किया, गरीबी हटाओ गरीब हटाओ गरीबी हटाओ बोलते रहे, गरीब और गरीब हो गया। गरीबी तो नहीं हटी, मगर विकास का काम तब शुरू होता है जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। कांग्रेस ने 60 साल की राजनीति में, 65-60 साल की राजनीति में गरीबों को कभी 1 रुपया किलो चावल दिया था? पीछे वाले को मिलता था शायद, इसलिए चुप है। क्या 60-65 साल की राजनीति में कांग्रेस ने कभी गरीबों को 1 रुपया किलो चावल दिया था? क्या कांग्रेस के मित्रों ने 60 साल की राजनीति में गरीबों के इलाज के लिए 1,000, 2,000, 5,000 रुपया बीमा की राशि दी थी? आज यहां जितने लोग बैठे हैं उनसे ही मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के मित्र विकास ढूंढने निकले हैं या इतने लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप सबके 50,000 के स्मार्ट कार्ड बने हैं तो दोनों हाथ उठा के बताइए, स्मार्ट कार्ड बने हैं, राशन के कार्ड बने हैं? ये कांग्रेस के मित्र देख लें, विकास ये है। गरीबों के लिए 1 रुपया किलो चावल, 50,000 रुपया का मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा का स्मार्ट कार्ड, विकास की बात कांग्रेस कहती है। कांग्रेस ने कभी नए जिले निर्माण की कल्पना नहीं सोची, कभी सड़कों को जाल बिछाने का काम नहीं किया। आज गरीबों को 1 रुपया किलो चावल मिलता है, प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं में बेहतर काम हो रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए जो योजनाएं बनी है, छत्तीसगढ़ सरकार का बजट का वो पूरा हिस्सा 32% 12% से ज्यादा, 44-45% योजना अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बनता है। अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण, अनुसूचित जाति प्राधिकरण का निर्माण किया, प्राधिकरण के माध्यम से सरकार के अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास के लिए काम जो चल रहे हैं, एक एक चीज की योजना बनाएं। और तो और जब विकास की बात होती है तो विश्वास की बात होती है, विश्वास की बात होती है तो श्रद्धा की बात होती है। और मैंने समाज के करोड़ों करोड़ों लाखों समाज के लिए फिरोजपुरी में जयस्तंभ का निर्माण करने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ लगा के गिरोधपुर में भव्य जयस्तंभ का निर्माण करके समाज को प्रतिष्ठा दी, समाज को सम्मान दिया, और समाज के लोगों ने भी इसका जवाब दिया। पिछले बार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री बना, मोहले से लेकर अमर अग्रवाल से लेकर गौरीशंकर जी आज विराजमान है, तो मैं एक बात कह सकता हूं, समाज ने इतना बड़ा योगदान दिया कि 10 विधानसभा सीटों में 9 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाज का योगदान, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में। और मुंगेली ने तो विकास के लिए लंबे समय तक इंतजार किया, और मुंगेली के इंतजार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कामों की श्रृंखला जो बता रहे हैं मोहली जी, उस श्रृंखला को हमने शुरुआत किया। बहुत सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में सरकार ने बनाई, बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, मगर मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख योजनाएं जो हमने बनाई हैं,
गांव गरीब और किसान को शुरुआत करके छोटे छोटे बच्चों की चिंता की, महतारी की चिंता की, उसकी गर्भवती माता की चिंता की, उस बच्चे के जो पैदा होता है उसके नाम से बेटी यदि पैदा हो जाती है गरीब के घर में उसके नाम से 5000 रुपया पैदा होते ही जमा करते हैं, हर साल 5000 जमा करते हैं, जब बेटी 18 साल की होती है 1 लाख रुपया से ज्यादा राशि उस बेटी को मिलता है। बेटियों के लिए कापी किताब की योजना, सिलाई मशीन की योजना, साइकिल की योजना, जिससे बेटियों को शिक्षा में बेहतर असर पड़े। छत्तीसगढ़ ने सरकार ने समाज के सर्वांगीण विकास का काम, मैं देख रहा था अभी आते आते मजदूर भाई हमारे गिट्टी तोड़ने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, रेजा कुली हमाली का काम करने वाले, आज तक किसी सरकार ने श्रम वीरों का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने मजदूरों को सबसे बड़ी योजना बनाई है, 12 लाख मजदूरों को 250 करोड़ का विभिन्न योजनाओं में लाभ दे रहे हैं। आज साइकिल वितरण हो रहा है 1000 से ज्यादा लोग, किट का वितरण हो रहा है। ये सरकार है, इस सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजना बनाई, योजना का विस्तार किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का हम विस्तार करने वाले हैं, उस योजना में छत्तीसगढ़ के 50 लाख परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेके आए हैं, जिसमें स्काई योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 6000 किलोमीटर केबल लाइन बिछा रहे हैं, पंचायत स्तर में इंटरनेट की फैसिलिटी देने वाले हैं। और इंटरनेट की फैसिलिटी तो मिल जाएगी, पर आने वाले समय में 50 लाख परिवारों को निःशुल्क मोबाइल स्मार्टफोन बांटने वाले हैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने माता बहनें बैठी हैं, स्मार्टफोन के साथ, नई तकनीक के साथ 21वीं सदी में प्रवेश आपका होगा, विकास के साथ जुड़ने का काम होगा। मैं आज इस विषय को लेकर, सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए सबसे ज्यादा चिंता करते हैं हमारे सांसदगण, विधायकगण, मोहल्ले जी भी, गांव के गरीब का बच्चा, गरीब व्यक्ति, गरीब का कोई परिवार का सदस्य बीमार पड़ जाता है, गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाता है, इलाज नहीं करा पाता, बिना इलाज के उसकी मौत हो जाती है, इलाज कराता है तो घर बिक जाता है, मकान बिक जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, कैंसर की बीमारी हो गई, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। मेरे पास विधायकगण आते हैं, विधायकगण की एक ही मांग होती है, रात को 12 बजे 1 बजे ये लोग आके पूछते हैं, बोलते हैं कि हमारा मरीज भर्ती है अस्पताल में, संजीवनी से शिथिल करके उसका इलाज कर दिया जाए। संजीवनी से कुछ लोगों का इलाज करते हैं, हजारों लोगों का इलाज होता है, मगर उसके बाद भी बहुत सारे परिवार बच जाते हैं जो इलाज नहीं करा पाते। इस बात को लेकर हमने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से बात की, मोदी जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, विकास यात्रा में यदि जा रहे हैं तो उस क्षेत्र की जनता को ये बता दें कि अब ये गरीब व्यक्ति का बच्चा, गरीब के परिवार का व्यक्ति, बिना इलाज के उसकी मौत नहीं होगी, उसकी दवाई की चिंता होगी। और सरकार ने तय किया है आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक के उसके इलाज की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नाम से एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख से ज्यादा के विकास के काम, ये विकास की परिभाषा बताने आए। मैं तो जब विकास यात्रा में निकला हूं, 2003 से 2018 की तुलना करता हूं, आपके हाथ में किताब मिली होगी, जनमन किताब आप लोगों को दिया गया होगा, जनसंपर्क ने किताब है आपके पास, कई लोगों के पास किताब है, बहुत लोग पास है, इधर भी किताब है। ये जनमन किताब मैंने इसलिए छपवाया है विशेष रूप से ये वाला अंक कि 2003 में छत्तीसगढ़ क्या था और 2018 में छत्तीसगढ़ क्या है। अभी तो आप लोग पंखा हिला हिला के अपना गर्मी को ठीक कर रहे हो, मगर इस किताब को यदि ठीक से पढ़ोगे और कांग्रेसियों को पढ़ाओगे, मैं आपको कहता हूं एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, 40 पेज को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद कांग्रेस के मित्र को अपने घर में बुलाइए, एक कप चाय पिलाइए, बिस्कुट खिलाइए और बोलिए जनमन को एक बार पढ़ ले। यदि वो पूरा किताब को पढ़ लेगा 40 पेज को, फिर जीवन में कांग्रेस को वोट नहीं देगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये विकास उस किताब में देखिए आप, कितने स्कूल थे, कितने सड़क थे, कितने पुल थे, कितने पुलिया थे,
50-60 हजार पंप कनेक्शन था, 4.5 लाख पंप कनेक्शन हो गया। कितने स्कूल 21,000 से 62,000 स्कूल हो गए, कितने 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज हो गए, IIT हो गया, IIM हो गया, दुनिया बदल गई। ये विकास की परिभाषा है कि छत्तीसगढ़ जो सबसे पिछड़ा राज्य कहलाता था, आज हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में छत्तीसगढ़ की गिनती होती है, एक विकसित राज्य के रूप में पहचान बनाने में सफल हुए। इस किताब को आप जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने का अवसर दीजिए। मुंगेली क्षेत्र में किसानों के अंदर एक मांग आई, भारतीय किसान संघ ने भी मुझसे मांग किया, हमारे मंच में बैठे हुए सभी साथियों ने इस बात के लिए आग्रह किया कि जो आज से 8 महीने पहले किसानों को पंप खोदने के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, उस सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। किसान को पंप खुदवाने में दिक्कत होती है, नए कनेक्शन लेने में विलंब होता है। हमने 2 दिन पहले निर्णय लिया, अब किसानों को पंप की खुदाई के लिए जो 1 लाख रुपए की सब्सिडी पहले दी जाती थी, 2 दिन पहले निर्णय लिया, वो सब्सिडी फिर से प्रारंभ की जा रही है। किसानों को नए पंप खुदाई के लिए अनुमति दी, किसानों को फ्लैट रेट में 5-8 पावर के 1 पंप के साथ साथ यदि 2 पंप है, 3 पंप है, तो 2 और 3 पंप को भी फ्लैट रेट में अनुबंध कर सकता है, इसकी भी हमने छूट दिया किसानों। ये सरकार किसानों की है, न केवल बोनस बांटने का काम करते हैं बल्कि किसानों के जीवन में परिवर्तन हो उसके लिए कार्य योजना बना के हमने काम किया। आज मैं काम गिनाने नहीं आया हूं, मैं तो विकास यात्रा के इस मुंगेली के पड़ाव में आया हूं आप सबसे समर्थन लेने, आशीर्वाद लेने। दंतेवाड़ा में जो आशीर्वाद मिल गया, दंतेश्वरी माता का, महामाया का आशीर्वाद मिल गया, मगर मुझे लगता है जब तक जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये यात्रा पूरी नहीं होगी, सफल नहीं होगी। आपसे आग्रह करूंगा, दोनों हाथ उठा के इस विकास यात्रा को आशीर्वाद दीजिए। आने वाला 18 का 5 साल भारतीय जनता पार्टी का एक नया इतिहास रचेगा, और जितना विकास मुंगेली का भी हुआ है, 4 गुना ज्यादा गति से विकास होगा, मैं ये वादा करने आपके बीच आया हूं। मोहली जी ने कोई 500 मीटर रिव्यू सड़क की मांग की है, 2 किलोमीटर पटली की मांग की है, बहुत सारे मांग किया है मोहली जी ने। मोहली जी को चिंता करना नहीं चाहिए, बिना मांगे मोहली जी को सब कुछ मिल गया मुंगेली को, आगे भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। ये डॉक्टर रमन मुंगेली की सभा में वादा करके जा रहा है। आप सबने इतना जोश गर्व जोशी के साथ स्वागत किया, सम्मान किया, मुंगेली वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपका प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहा है, हमेशा आपने सम्मान दिया, और आज आपने साबित कर दिया कि पूरा मुंगेली जिला आज मुंगेली की सड़कों में और यहाँ के आज कार्यक्रम में उपस्थित था। इतने चलचलाती हुई धूप गर्मी में आ पाए, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब घोषणा अनुरूप क्षेत्र के 47,984 किसानों को 67,28,00,000 के धान बोनस का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, बटन दबाकर सभी किसानों के खाते में ये बोनस की राशि का अंतरण करेंगे। सहकारिता विभाग की ओर से श्री शेखर जायसवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, बटन दबाकर बोनस राशि का किसानों के खाते में अंतरण करेंगे। क्षेत्र के 47,984 किसानों को ये बोनस की राशि आज उनके खाते में अंतरण होने जा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इसके बाद विभिन्न विभागों के द्वारा जो हितग्राही सामग्री है उनका वितरण सहकारिता विभाग की ओर से आज से सभी किसानों के खाते में जो 300 रुपए बोनस किसानों को देना था उसका बटन दबाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से शुरुआत कर दिया। सभी के किसानों के खातों में यह पैसा बोनस का चला गया, बहुत बहुत इसके लिए बधाई। आइए धान बोनस की राशि का प्रमाण पत्र सहकारिता विभाग की ओर से श्री कृष्ण कुमार तिवारी, देवराम बंजारा, सियाराम देवांगन, प्रवीण सैनी और मोहन सिंह ध्रुव, ये बोनस राशि का चेक और प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से।
काला पंजा लाभ हो गया है पचास कर दो मैं जोर से जोर से बोल रहे से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जिलेवासियों को यह आबादी पट्टा कारीबाई झाड़ू राम तुलसी भागी और संतराबाई शहर से जलेश्वर अजय शंकर दिलेश और ध्रुवाबाई और रामा श्रम विभाग की ओर से श्री रमेश कुमार साहू को मुख्यमंत्री ई रिक्शा श्रीमती कृष्णा दयाल कबीर वार्ड को साइकिल सहायता श्रीमती गायत्री देवी को सिलाई मशीन मनाराम लाल साहू को श्रमिक औजार श्रीमती मोनिका को सहायता राशि का चेक वितरण क्रीडा की ओर से श्री भरत लाल श्री नाथुराम और श्री लीला राम को 5 HP सौर ऊर्जा संयंत्र और श्री इंद्रजीत सिंह को सोलर होम लाइट 200 वाट का पंचायत विभाग की ओर से श्रीमती चंद्रिका खांडे श्रीमती शांति मधुकर श्रीमती राजकुमारी श्रीमती पंचमणि बाई को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का आदेश और उसके बाद खाद्य विभाग की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन गैस चूल्हे का वितरण श्रीमती उमेदा बाई श्रीमती फेकन बाई श्रीमती निशा बाई श्रीमती सीता बाई श्रीमती मेलिन बाई अंत व्यवसायी विभाग की ओर से श्री राजकुमार भागसार को ट्रैक्टर एवं ट्राली की चाबी श्री संदीप कुमार पात्र को मालवाहक पिकअप श्री राधे श्याम को लघु व्यवसाय हेतु चेक का वितरण विद्युत विभाग की ओर से 100% विद्युतीकरण वाले गांव के सरपंचों का सम्मान श्रीमती उत्तरागर पंडरभट्टा श्री धनलाल जोशी चिरोला श्री राजकुमार भारद्वाज दहिया कापा ये सभी सरपंचों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कृषि विभाग की ओर से फसल बीमा योजना क्षतिपूर्ति की राशि श्री पुष्पेन सिंह श्री इंद्राज सिंह श्री रोहित खांडे श्री जगदीश साहू सुखदेव खांडे ये सभी को फसल बीमा योजना की क्षतिपूर्ति की राशि दी जा रही है सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी हितग्राहियों को ये सामग्री चेक और बोनस राशि का वितरण अब माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्माननीय कलेक्टर साहब और सभी मंत्रियों को प्रतीक चिन्ह लेकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे सम्माननीय कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रियों को ये प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे कार्यकर्ता बंधुओं एक हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज पुराने बस स्टैंड में सामुदायिक भवन के बगल में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से सर्किट हाउस जाएंगे सर्किट हाउस से रात को 8 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन होगा आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि रात को 8 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के उद्घाटन में अवश्य सम्मिलित हों धन्यवाद सभी सम्माननीय अतिथियों को ये स्मृति भेंट जिला प्रशासन की ओर से सम्माननीय कलेक्टर साहब और सभी माननीय मंत्रियों के लिए भी सम्मान आभार प्रदर्शन के लिए मैं जिला पंचायत सीओ सम्माननीय लोकेश चंद्राकर जी से आग्रह करता हूं आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंगेली जिला की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुनेत जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं माननीय समन्नी जी का माननीय कौशिक जी का आभार हार्दिक आभारी हूं
इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मुंगेली की समस्त जनता जो इस कार्यक्रम में शांतिपूर्वक रूप से उपस्थित हुए, मैं उनका आभारी हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए